वेलकम टू योर रॉकर शाहरुख खान की लास्ट फिल्म पठान थी, जिसमें उन्होंने गर्दा उड़ा दिया था। 4 साल बाद एक्टर ने स्क्रीन पर वापसी की थी। फैंस उन्हें देखने के लिए थिएटर तक गए और नतीजा यह हुआ कि शाहरुख की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ना जाने कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख की इस फिल्म ने 1000 करोड़ से ऊपर का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था। फिल्म में जॉन इब्राहिम और दीपिका पादुकोण भी लीड रोल में नजर आए थे। तो डियर रॉकर्स, अब लौटते हैं शाहरुख खान और राजकुमार ईरानी की फिल्म डंकी पर। तो यह फिल्म दिसंबर 2023 में रिलीज हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो यह फिल्म भारतीय गैर कानूनी रूप से US और कनाडा जाने की कहानी को हाईलाइट करेगी, जिसे डंकी फ्लाइट कहते हैं। फिल्म में शाहरुख के साथ तापसी पन्नू भी लीड रोल में नजर आने वाली है। हालांकि अभी तक उनका कोई भी लुक वायरल नहीं हुआ है और ना ही दर्शकों के सामने रिवील किया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको बता दें कि शाहरुख खान की डंकी फिल्म क्या है। शाहरुख खान 2023 में लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। किंग खान की बैक टू बैक 3 फिल्में नजर आने वाली है, जिसमें से पठान को तो आपने देख ही लिया है। इसके बाद जवान और डंकी में भी शाहरुख खान नजर आने वाले हैं। इसकी एक झलक फैंस ने देख ली है और अब सभी फैंस शाहरुख खान की फिल्म पठान और जवान के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जैसा की आप सभी को पता है की शाहरुख खान राजकुमार ईरानी की इस फिल्म में तापसी पन्नू के साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म में टाइटल को लेकर जबरदस्त कन्फ्यूजन बना हुआ है। दरअसल फिल्म का नाम डंकी वाला नहीं बल्कि डंकी है, जिसका मतलब भी खास होता है। अगर दोस्तों आपको आसान भाषा में समझाएं तो किंग खान ने भी जब टाइटल को सुना था तो वह भी हैरान रह गए थे। दरअसल इस फिल्म की थीम में गधे वाले डंकी का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि यह नाम डंकी फ्लाइट पर बेस्ड है। आपको आसान शब्दों में समझाएं तो डंकी फ्लाइट उस रास्ते को कहा जाता है जिसे लोग दूसरे देश में जाने के लिए अवैध रूप से इस्तेमाल करते हैं। भारतीय लोगों की बात करें तो ज्यादातर ऐसा रास्ता अमेरिका और कनाडा जाने के लिए अपनाया जाता है। अब आप समझ ही गए हैं कि फिल्म का नाम किस डंकी पर आधारित है। और अगर अभी भी आप नहीं समझे हैं तो आप इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने जा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। शाहरुख खान की जितने भी आगे मूवी आने वाली है, अगर आप इन सब की न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर।